टूट जाता दिल उसका जो भी गरीब है, वफा करने वालों का हाल अजीब है, तोड़ के दिल कहते। वेलकम बैक, आ जाए शो को आगे लेकर चलते हैं और इनसे पूछते हैं कुछ सवाल। हमारा सेगमेंट है अवाम के सवाल, तो इनकी तरफ हम जाएंगे, ये आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, आपसे सवाल पूछेंगे, उसको चलते हैं ऑडियंस क्वेश्चंस की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मिनाहिल। अरे बहुत प्यारा नाम है मिनाहिल, क्या सवाल पूछेंगे आप? मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि ये एक रूमर है कि कराची में लाहौर से जाने वाले एक्टर्स को ज्यादा अच्छा काम नहीं मिलता, क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर देखा जाए तो आप लोग तो बल्कि ज्यादा हमसे ज्यादा टीवी प्लेस देखते हो, उसमें ज्यादा तो आपको टीवी लाहौर के ही एक्टर नजर आते होंगे, ऐसा है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? निम्रा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है मैम नताशा कि तमाशा घर में ऐसा कौन सा पॉइंट था कि आपको लगा था अब मैं यहाँ मजीद नहीं रह सकती, तो मैं पागल हो जाऊंगी? जब टैंकी से पानी बंद हो गया था ना। जब अरूबा ने बैड वर्ड्स यूज किए थे इन द बाथरूम। है, ये हुआ था, ये रिकॉर्ड हुआ था, ये टीवी पे भी आया था? वो मुझे पता नहीं, जब मैं रो रही थी वाइट जैकेट में और मैं ये कह रही थी कि इसने मेरे बारे में बहुत कुछ गलत कहा है, आई थिंक वो 24/7 वाले पे जो एप्लीकेशन पे जो 24/7 चलता था, तो उन्होंने माइक उतार के बाथरूम में जाके मेरे लिए कुछ घटिया वर्ड्स यूज़ किए थे जो आज तक मैंने सुने नहीं थे अपने लिए, तो उस वक्त मुझे लगा था कि बस अब मुझे और नहीं रुकना, और मैंने फिर जब बादशाह अंदर एंटर हुए थे उस दिन, तो मैंने ये कहा भी था कि आई थिंक आज मुझे ही एलिमिनेट होना चाहिए क्योंकि मैं ये वाले वर्ड्स सुनने के लिए नहीं आई हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है हीरो? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हो? आईटी कर रहा हूँ। बड़े होके क्या करना है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं ये कहना चाहिए था मैं बड़ा हो गया हूँ, और कितना बड़ा होना तुमसे? और थोड़ा बड़ा हो जाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, पहले आईटी है तुम्हारी, सवाल पूछो। पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं ये कहूंगा कि माशाल्लाह मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ तनिषा मैम, और आपका मुझे आप माशाल्लाह बहुत प्यारी लगती हैं, अल्लाह पाक आपको नजरे बद से बचाए। आमीन। ये वाला तरीका ठीक है आने का, मुझे आप बहुत प्यारी लगती हैं, फिर अल्लाह पाक आपको नजरे बद से बचाए, बीच में माशाल्लाह भी डाल दिया, ठीक है। ये सही, ये जो गेम होती ना एकदम, आप मुझे बहुत प्यारी लगती है, अभी एंड में सिस्टर ना कह देना आप। अच्छा बोलो अपनी वाली रूट से जाओ, मैं समझ रहा हूँ। अच्छा मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन से ऐसे तीन एनिमल ट्रेट्स हैं जो किसी के इंसान के अंदर होने चाहिए? यार एनिमल ट्रेट्स इंसान के अंदर होने चाहिए, मतलब चले मैं शेर वाली बात तो चले कर सकती हूँ कि इंसान को शेर होना चाहिए, स्पेशली फॉर गर्ल्स। मेरा ये मैसेज है लड़कियों के लिए, जो लड़कियां बाहर निकल के काम करती हैं, जो स्कूल कॉलेजेस में जाती हैं, उनकी माओं को भी मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को इतना कॉन्फिडेंस दें कि वो किसी को शटअप कॉल देने में इतनी आवाज़ ऊंची करें कि अगला बंदा 6 फुट का भी सामने खड़ा हो ना तो वो हिल जाए 5 फुट की बच्ची को देख के, ठीक है? तो वो शेर मर्द को भी होना चाहिए, ठीक है, हर लिहाज से, और लड़कियों को तो स्पेशली होना चाहिए। बाकी कौन कौन सा जानवर मैं लेके आऊं? बिल्ली बना सकती हूँ कि लड़कियां जो क्यूट क्यूट होती हैं वो बिल्लियां होती हैं। ये जो है मोमिन, ये इसको चले हम पैरट कर देते हैं, तोता बोलता रहता है ये क्यूट क्यूट सा, सही है? सही है, थैंक यू सो मच। जो तुम कहते ना अल्लाह ताला नजरें बाद से बचाई, मुझे लगता है इनको तुम्हारी नजरों से बचाना होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ब्रदर, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। और मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि भुखड़ और चोरनी क्या है? एक्चुअली वो जो कंटेस्टेंट थी जिनको जितवा दिया गया है अनफॉर्चुनेटली, और लोगों ने आवाम ने उसको बिल्कुल भी कबूल नहीं किया कि हम इसको तो बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन चले वो उसकी लक है अगर वो जीत गई। वो एक तो माशाल्लाह से उनकी खुराक इतनी थी कि वो चुरा चुरा के खाती थी, उनका ये लेवल था कि पूरा घर जब सो जाएगा, स्पेशली नताशा जब सो जाएगी तो फिर मैं फ्रिज खोलूंगी और फिर मैं जो है वो चीज़ें दूध के डब्बे गायब करूंगी, अंडे गायब करूंगी, जैम गायब करूंगी और फिर मैं खाऊंगी। एक तो उनके खाने का लेवल इतना था कि लोग भी कहा कि जो बाहर से आते थे गेस्ट वो भी आके कहते थे कि आपको खाना नहीं मिलता क्या कभी ज़िंदगी में घर में, तो वो खाना जो है चुरा चुरा के खाती थी। दूसरा उन्होंने मेरी वजारत में तो बहुत ही ज़्यादा किया, उससे पहले भी उन्होंने किया जब मैं कैप्टनसी में आई, कि उन्होंने दूध का डब्बा नहीं सॉरी अली सिकंदर की वजारत में दूध का डब्बा, अंडे और मेरा मेकअप का पाउच और पता नहीं क्या क्या चीज़ें गायब की। उस पर मैंने उनको कहा था भुक्कड़ चोरनी, और वो मैंने ऐसे कहा था भुक्कड़ चोरनी भुक्कड़ चोरनी भुक्कड़ चोरनी। सलाम वालेकुम। वालेकुम।
मेरा वीर किधरों आया इतों ही लाहौरों ही आया लाहौरों ही किरे इलाके पे इतों बाहर निकलोगे नाल ही लाहौर शुरू हो जाएगा मेरा वीर की सवाल पूछ रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मैम वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह आपका ना थोड़ी सी उम्र में काफ़ी तजर्बा हो गया जी तो आप इस तजर्बे में मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें अगर मुझे एक्टर बनना हो अच्छा तो किस तरह की चीज़ों से और किस तरह के लोगों से मुझे बचना चाहिए सबसे पाइन तुसी एक्टर हो सबसे पहले तो ये कि आपको एक्टिंग से ही बचना चाहिए और फिर भी अगर आपको कहीं चांस मिल जाता है जो कि अल्लाह करे अगर आपका शौक है तो मेरे ख्याल में आपको किसी से बचने की जरूरत नहीं है ऐ जड़ा तुसी माशाल्लाह राणा सराउल्ला साहब नाल लै गया है ना कोलो बचो नहीं अल्लाह ताला आपको खुश रखे आपको भी खुश रखे राधे मोहन वाली लुक है आपकी मैं आपको बता दूं तेरे नाम का गाना वापसी पे लगाना है अपने और अपने इस तरह स्टीयरिंग पे हाथ रखना है और लेफ्ट की तरफ देखना बस कर दो मोमेंट ठा की आवाज आएगी ना अब आपने अब एक्टर बन गया ठीक है ब्रदर थैंक यू आए जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है ब्रदर ठीक आप सुनाए मैं बेहतर हूँ पहले से क्या नाम है मेरा नाम फिजान अजीम करते क्या BSCS कंप्यूटर क्या होता है मशीन होती है मशीन क्या होती है जिसमें आप की तस्वीर आती है ना यही पता है इसको जिसमें लोगों की तस्वीरें आती है वो इन्हें कोई काम नहीं करना सबसे पहले मैं नताशा ली का बहुत बड़ा फैन हूँ बहुत शुक्रिया लेकिन सवाल मेरा मोमिन भैया आपसे ही है हाँ। नहीं पहले नताशा जी से कोई सवाल नहीं पहले पूछ लो ना यार आपकी भी एक्टिंग का फ़ैन हूँ आपसे भी मेरा सवाल है कि मैं आपको सुहेल वड़ाइच की मिमिक्री करते देखना चाहता हूँ फैजान से मिलने हम उनके घर गए उधर वो टॉफी खा रहे थे फैजान को आंटी ने बिस्तर से बालों से खींच के निकाला वहाँ उनके चेहरे पे गुस्सा नजर आया शाम की चाय अकेले ही पीते हैं थैंक यू बहुत सारे एक्टर्स इंडस्ट्री में ठहर की शिकायत करती हैं आप कैसे डील कर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सामने तो कोई ऐसा नहीं आया शेरनी में ऐसे ही नहीं हूँ किसी की जरूरत नहीं हुई और जिन बिचारी एक्ट्रेसेस ने कोई ऐसे अगर गिले किए हैं तो वो उनका अपना कसूर है है? जाहिर सी बात है आप शट अप कॉल दे दें फौरन अगर कोई ऐसी बात करता है आपसे गिला बाद में करें गिला बल्कि करें ही ना आप शट अप कॉल दे के सुकून से आगे बढ़ जाएं लेकिन फिर भी कसूर उन लड़कों का तो है ही ना अनकंफर्टेबल उनको करते होंगे आपकी बात ठीक है कि वो उनको शट अप कॉल दे दें लेकिन वो पहला उनकी तरफ से स्टेप उठाया जा रहा है लेकिन ये औरत पर भी बहुत डिपेंड करता है कि उसने अपना इंप्रेशन क्या रखना है पहली दफा जिसको मिल रही है उसके सामने क्या इंप्रेशन रखना है उसको कितनी जुर्रत देनी है बात करने की और कितनी नहीं देनी तो ये तो हरासमेंट और ठरक तो बच्चियों के साथ भी लोग कर देते हैं बच्ची वो गलत वो तो घटिया उससे एक्चुअली सिग्नल देती है उन्होंने एक्चुअली मुझसे एक्ट्रेसेस का सवाल किया अच्छा, वो अच्छा, तो मैं का कह रही हूं। हाँ वो उनका मैंने जवाब दिया बाकी तो जो जानवर इस दुनिया में है उनको तो मेरे ख्याल में चौक में लटका देना चाहिए ऐसे जानवरों को